कक्षा 10 विषय गणित इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण ये प्रश्नावली 3.5। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन करता है। रुपये 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं जब विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है। रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं जब एक विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है। नियत व्यय और नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन हम अपनाएंगे। पहली जो कंडीशन है उसको ध्यान से समझिए। नियत व्यय, तो हम मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय बराबरी से रुपये एक्स है जो प्रत्येक छात्र को लगेगा, चाहे वो कितने भी दिन रुके। एवं दूसरा कौन सा व्यय, एवं प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है वो कितने रुपए है, वो है रुपए वाई है। अब अगर पहली शर्त देखें, कौन सी शर्त, प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार की जो कंडीशन है उसको समझिए। तो उसने लिखा है क्या, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं जब विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है। तो 20 दिन के भोजन का व्यय, इसका मतलब है एक्स तो निश्चित है, वाई मतलब 20 दिन। तो क्या एक्स धन 20 वाई बराबरी से 1000, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर एक। दूसरी कंडीशन को देखें जिसको हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त को समझने का प्रयास करें तो दूसरी शर्त में लिखा है रुपए कितने, 1180। कब, रुपए 1180 अदा करने पड़ते जब एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है। तो क्या एक्स प्लस 26 वाई, ये तो 1000 है और ये कितने, 26 दिन के कितने रुपए, 1180। ये समीकरण अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण बड़े आसान से आ गए। यदि हम कौन से समीकरण दो में से, कौन से समीकरण एक को क्या कर दे, घटाने पर, समीकरण दो में से यदि हम एक को क्या कर दे, घटा दे या घटाने पर लिखे, तो कंडीशन देखिए क्या आएगी, x धन 26 y बराबरी से 1180 और दूसरा क्या x धन 20 y बराबरी से कितना, 1000, क्योंकि हमने घटाने पर लिखा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन, तो ये ऋण हो जाएगा, ये चिन्ह धन तो ऋण हो जाएगा, ये चिन्ह धन तो ये ऋण हो जाएगा। एक्स से एक्स क्या हो गया, घट गया, 26 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचा, 6y बराबरी से, 1180 में से 1000 को घटाएंगे तो 180। ध्यान से देखो, जब हम y बराबरी से लिखेंगे तो मतलब 180 में 6 का हमको भाग देना पड़ेगा,
और जब 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 30 बार। 6 कम 6, 6 तिया 18, तो क्या आ गया, अतः किसके बराबरी से, y बराबरी से 30। ये किसका मान आ गया, y, जो मान आया है y बराबरी से 30, वो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में, किसके y बराबरी से कितना 30 रखने पर, समीकरण 1 में y। तो जैसे ही हम 30 रखेंगे तो मान देखिए क्या होगा, x धन 20y था, तो 20 × 30 बराबरी से 1000 था, तो मान क्या आएगा, x बराबरी से 20 तिया 60, 600 हो जाएगा, तो 1000 में से कितने 600 घट जाएंगे, 1000 में से जब 600 घट जाएंगे तो x बराबरी से कितने 400 आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः कौन सा व्यय, नियत व्यय, काहे का, भोजन का। x माना था और x की माप कितनी आ गई, ₹400 किसका, और प्रतिदिन का, और प्रतिदिन काहे का, और प्रतिदिन भोजन का व्यय, इसको हमने y माना था जो कितना आ गया, ₹600। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेषकल धन्यवाद।